In last lecture, we were discussing about even CP mechanism. सबसे इंपॉर्टेंट चीज इवन सीबी मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं ये आपको याद रखना है. बेस कौन कौन से होते हैं वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. OH नेगेटिव, अल्कोक्साइड, आर ओ नेगेटिव. और आर ओ नेगेटिव में आपने टर्शियरी ब्यूटोक्साइड बल्कि बेस देखा था तो वो लेस क्राउडेड हाइड्रोजन ले जाएगा बल्कि बेस. बेस का साइज भी मैटर करता है. बेसिसिटी में मैटर नहीं करता लेकिन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा उसमें मैटर करता है बेस का साइज. वो हम क्वेश्चन में देखेंगे. लेस क्राउडेड हाइड्रोजन जाती है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है हॉफमैन एल्कीन. अगर मोर क्राउडेड कार्बन से हाइड्रोजन जाता है अल्काइल ग्रुप ज्यादा ज्यादा है तो हम बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनती है हॉफमैन एल्कीन. मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज हॉफमैन एल्कीन. हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था कि इवन सीबी मैकेनिज्म में कंजुगेट बेस बनाना है एसिडिक हाइड्रोजन को हटाकर. और एसिडिक हाइड्रोजन जो ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगी उसी से ही जो सी नेगेटिव बनेगा कंजुगेट बेस वो ज्यादा स्टेबल होगा. और उसी की स्टेबिलिटी मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड करती है. यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी हाइड्रोजन की उतना ही ज्यादा उसका कंजुगेट बेस स्टेबल होगा. ये हमने जीओसी में पढ़ा. कार्बेनायन कंजुगेट बेस स्टेबल होगा और जितना ज्यादा कंजुगेट बेस कार्बेनायन की स्टेबिलिटी वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा. जनरली हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है इवन सीबी में पर ऐसा हरदम जरूरी नहीं है. कार्बेनायन स्टेबिलिटी इज द मेजर फैक्टर. ठीक है तो कौन कौन से लिविंग ग्रुप होते हैं. हेलोजन में सिर्फ फ्लोरीन, NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव एंड अल्कोहल OH ओनली इन बेसिक मीडियम. एसिडिक मीडियम में इवन सीबी मैकेनिज्म से एलिमिनेशन नहीं होता अल्कोहल का. वो इवन से होता है आप लोग जानते हैं. इवन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 से डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आपने खूब करवाया है राइट. अब देखो एक मैं रिएक्शन करवाता हूं उसको मैं बाद में यूज करूंगा. हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन या इन जनरल बोलो तो एल्काइलेशन. दिस इज टू फॉर्म quaternary ammonium salt. quaternary ammonium salt जो इवन सीबी मैकेनिज्म में आपको यहां पे तीन अल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे तो ये quaternary ammonium salt हो जाएगा. यहां पर भी कार्बन होगा और क्या उतनी कंपाउंड है पर एक कार्बन एक वैलेंसी को छोड़कर बाकी तीन अल्काइल ग्रुप में एक अल्काइल ग्रुप इधर और होगा तो टेट्रा अल्काइल अमोनियम सोल्ट हो गया ये. ठीक है ये बनाने के हम लोग काम करते हैं. देखो प्राइमरी अमीन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल मैं बोलूं CH3 CH2 CH2 ये प्राइमरी अमीन है आपकी. ठीक है अगर मिथाइलेशन करवाना है तो मिथाइल हैलाइड यूज करो जैसे मिथाइल आयोडाइड. अगर इथाइलेशन करवाना है कोई भी अल्काइलेशन तो कोई भी अल्काइल हैलाइड यूज करो RX. ये एक्सेस में यूज करना है तो बनेगा क्या मैकेनिज्म अभी हम देखेंगे. CH3 CH2 CH2 एल्काइलेशन करने का मतलब होता है हाइड्रोजन हटाकर एल्काइल ग्रुप चिपका देना कहीं पर भी एल्काइलेशन कहलाता है. असाइलेशन करने का मतलब हाइड्रोजन हटाकर कोई भी असाइल ग्रुप ये एल्काइल ग्रुप होता है ये असाइल ग्रुप होता है. फ्रीडर ऑफ एल्काइलेशन और असाइलेशन में हर बच्चा जानता है सब लोग जानते हैं. यहां पे एल्काइल कार्बोकैटायन ये असाइल कार्बोकैटायन. दिस इज क्वाइट स्टेबल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेबल बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग ध्यान होगा आपको. तो फ्रीडरिक ऑफ असाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं बनता था क्योंकि असाइलियम कार्बोकैटायन खुद ही स्टेबल है क्यों रीअरेंज होगा. तो इससे दो हाइड्रोजन है वो दो हाइड्रोजन हटाकर मिथाइल लगा दो मिथाइलेशन हो गया. और एक हाइड्रोजन एक मिथाइल और लगा दो ताकि चार वैलेंसी हो जाए टेट्रा अल्काइल अमोनियम सोल्ट हो गया. टेट्रा अल्काइल अमोनियम सोल्ट हो गया
और मैं सोल्ट पूरी इसकी तरह लिखूं, बस इतना ही लिखना काफी है, तो पूरा सोल्ट लिखूं तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो गया, ये हो गया टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट, ठीक है। पर इसमें क्या कंडीशन है, एल्काइल हैलाइड या मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में है, मिथाइल आयोडाइड एक्सेस में है। अब इसका मैकेनिज्म तो बहुत आसान है, इसका मैकेनिज्म है वो SN2 मैकेनिज्म है। अब SN2 बोलते ही आपके दिमाग में चमक जाना चाहिए कि हाँ भाई, जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है उसके बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, नाइट्रोजन वाले अमीन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एंड अमीन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, और SN2 के लिए न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग और SN1 के लिए न्यूक्लियोफाइल वीक। SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, SN1 के लिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लास्ट लेक्चर, यहाँ पे सॉल्वेंट कुछ भी नहीं बोला हो, या फिर कभी कभी बोला होगा एसीटोन या DMSO, या नहीं बोला होगा तो भी चलेगा, नॉट ए प्रॉब्लम। इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, इसकी जगह मैं R लिख लेता हूं क्योंकि ये प्रोपाइल तो बड़ा सा लगेगा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा इससे। लेट अस सी द मैकेनिज्म। RNS2 में पहला मिथाइल आयोडाइड यूज हुआ, इसमें ये डेल पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है। एल्काइल एल्कोहल और इथर में ऑक्सीजन हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन पे डेल पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, इसने बैक साइड से अटैक किया, लिविंग ग्रुप चला गया, SN2 मैकेनिज्म इसे ही बोलते हैं 3D में। तो ये क्या हो गया, RNHCS3 होगा क्या वैसे? अगर बिल्कुल बेसिक लेवल पे हम लोग देखें, ये डेल पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी हैलोजन होगा, जैसे यहाँ पे आयोडीन है ना, आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे देखना चाहो, इसने अटैक मारा, ये निकला, तो हुआ क्या होगा, RNHH, जब भी नाइट्रोजन के चार बॉन्ड बने, तो अब इसके बाद HIN फायर कर दो, है ना, एक HIN निकाल दो इधर, और बन जाएगा RNHCS3, H पॉजिटिव I नेगेटिव से HI बना लो। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के ऊपर किस तरह रिएक्शन हो रही है वो, पर ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, अभी आप LKG में नहीं हो, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ऊपर, राइट। इसमें दो स्टेप है, फिर दूसरा स्टेप है डीप्रोटोनेशन, मैंने एक साथ लिख दिया। अब ये डीप्रोटोनेशन प्रोटोनेशन बताने की जरूरत नहीं है, तो वेल अंडरस्टूड होता है, इतनी कॉमन चीज है, इट रिपीट्स थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। ये हो गया, तो ये प्राइमरी अमीन से सेकेंड डिग्री अमीन तक पहुंच चुके हैं। अब फिर ये फिफ्थ न्यूक्लियोफाइल है, फिर दूसरा बोल मैं CH3I का लेता हूं, फिर डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव, फिर ये अटैक करेगा SN2 और बाहर निकल जाएगा, फिर RN दूसरा CH3 आ गया, एक लोन पेयर अभी भी विद्यमान है HI, फिर एक CH3I दूसरा CH3I, आपको समझ में आ गया होगा एल्काइल हैलाइड को क्यों एक्सेस में ले रहे थे। फिर ये न्यूक्लियोफाइल है, लोन पेयर अभी भी है, फिर SN2 अटैक, और इस बार बाहर निकाल देगा इसको I नेगेटिव को, तो क्या हो गया RN, दो CH3 थे, तीसरा और आ गया, तो ये हो गया, चार वैलेंसी होते कार्बन पे, टेट्रा एल्काइल अमोनियम आयन बन गया। क्योंकि I नेगेटिव निकला, वो I नेगेटिव को सोल्ट की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हो गया टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट। एक्चुअली ये रिएक्शन अभी यूज हो रही हो, एक्चुअली ऑर्डिनरी केमिस्ट्री में सारे चैप्टर मिक्स टाइप होते हैं, एक चैप्टर को इंडिपेंडेंट नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो उतनी अच्छे टाइप से नहीं पढ़ पाओगे आप। जिस तरह NCERT में दे रखी है, दैट इज द वर्स्ट वे ऑफ पुटिंग द ऑर्गेनिक, वहां पे तो सब कुछ ध्यान रखना हो जाएगा, फ्लो बनेगा नहीं, तो हम वैसे नहीं पढ़ेंगे ऑब्वियसली। CH3 CH2 CH2 NH2 हम वैसे पढ़ेंगे जैसे पूरे इंडिया में कोचिंग इंडस्ट्री में पढ़ा जाता है, एक कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर।
जब तक टाइम परमिट करता है। तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट, अब देखो भाई साहब, ये हम एक 12th में चैप्टर है, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन एक रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ अमीन की। देखो अगर हम कम CH3I रखें, एक मोल रखें, तो सेकेंड डिग्री अमीन बन गया एल्काइल एलाइड से प्राइमरी, दो मोल CH3 तो थर्ड डिग्री अमीन बन गया, और एक्सेस में रखें तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट बन गया। तो ये और ये सब के सब बने इस रिएक्शन में, डिपेंड करता है CH3I कितना ले रखा है एक्सेस, कुछ भी नहीं बोला तो एक्स आगे की रिएक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब ये सोल्ट कौन सा हो गया, ये सोल्ट देखते ही आपको चमक जाना चाहिए कि ये बेस हो तो ये E1CB मैकेनिज्म वाला NR3 पॉजिटिव है। यहां पर NR3 पॉजिटिव का मतलब N3 मिथाइल है, बाकी R तो है ही है, इधर R लिखना चाहो तो R लिख लो। तो ये E1CB के लिए NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव, देखते ही E1CB, हालांकि मैंने बताया E1CB और E2 दोनों का, दोनों मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है E1CB E2 पर, आपके प्रोडक्ट को फर्क नहीं पड़ता, दोनों में एंटी एलिमिनेशन, आपको फर्क नहीं पड़ता है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व की गई है वो चीजें, इसलिए हम लोगों ने वो कंक्लूड करते हैं, बोलते हैं आप E1CB बिंदास लेकर चले। तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट से रिलेटेड दो ही रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक में, एक होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट बनाने की, और दूसरी E1CB ऑफ टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट, यस और नो। तो ये दोनों रिएक्शन को क्लब करके क्वेश्चन दिया जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में पक्का मिलेगा जो अभी मैं करवा रहा हूं प्रैक्टिस, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट। अब ध्यान रखना E1CB मैकेनिज्म है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी देखनी है, लीविंग ग्रुप के बीटा, वो हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन ले जाना है जिससे स्टेबल कार्बन आयन बने, ये मैकेनिज्म की जान है। अगर आप ये समझते हैं तो क्वेश्चन सही कर पाओगे, अगर अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होने वाली है, होती है, बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो बीटा हाइड्रोजन के बजाय मेजर प्रोडक्ट में दूसरा ले जाते हैं और गलत कर देते हैं, ये तो कॉमन मिस्टेक है, करेंगे ही करेंगे जब तक बातें नहीं सुनोगे अच्छे से। अब होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ अमीन और अमोनियम सोल्ट के लिए। अब इसमें सभी का मिक्सर मिलता है आपको, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, अमीन जिन पे टिक कर रखा आपने, और प्राइमरी अमीन भी एक्सेस में है तो वो भी मिल सकती है। तो मिक्सर ऑफ अमीन और अमोनियम सोल्ट मिलता है हमें, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट। जिस भी रिएक्शन में बहुत सारे प्रोडक्ट का मिक्सर मिले वो रिएक्शन एकदम बेकार रिएक्शन होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन की दिस इज वेरी बैड रिएक्शन, बहुत ही रद्दी रिएक्शन है ये। देखो होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, राइट डाउन नोट, होफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन इज वेरी बैड रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स एंड अमोनियम सोल्ट, for preparation of amines and ammonium salt. As we get mixture of products, so this is a bad reaction. अब इसको हम लोग use करेंगे, ठीक है? Let us do some questions. अब मैं कुछ question करवा रहा हूँ, आपको जल्दी करना है, आपको आंसर बताना है, E1CB mechanism आपको पहचानना होगा। मैं ले रहा हूं CH3CH CH CH3 CH3 N CH3 CH3 CH3, ये NR3 पॉजिटिव है। अब इस नाइट्रोजन N पॉजिटिव इज लिविंग ग्रुप, ये अल्फा है जिसपे लिविंग ग्रुप चिपका हुआ है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। अब दोनों बीटा हाइड्रोजन में थर्ड डिग्री कार्बन एन बनेगा, सेकंड डिग्री कार्बन बनाया है, तो ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो कंजुगेट बेस इससे मेजर प्रोडक्ट फाइनली बनाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये बीटा हाइड्रोजन जाएगी तो पाई बॉन्ड इधर आएगा, अल्फा बीटा, ये वाला टिक वाला बीटा के बीच में, और लिविंग ग्रुप चला जाएगा इधर से लिविंग ग्रुप जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, यहां पे मुझे बेस लेना पड़ेगा, OH नेगेटिव, एलिमिनेशन के लिए हीटिंग दी हुई नहीं दी, आप E1CB लेकर चलेंगे, इसके जगह पर बहुत बार ज्यादातर AgOH बेस दिया हुआ होता है, AgOH बहुत बार ज्यादातर AgOH OH नेगेटिव का सोर्स यहां पर मिलेगा।
तो ये OH नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे C नेगेटिव बनाएगा, फिर वो लोन पेयर इसको बोलेगा लिविंग ग्रुप को, चल बेटा तू फुट हो जा। अब इधर से भी जा सकता है, पर वो माइनर बनेगा, इधर से माइनर, इधर से मेजर बनेगा। आपको एक प्रोडक्ट लिखना होता है, मेजर ही लिखना होता है, इसी का नाम केमिस्ट्री है। CH3CH, कौन सा अल्फा और बीटा, वो वाला प्लस, ये लिविंग ग्रुप चला गया तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, इसके पास आ जाएंगे नाइट्रोजन के पास। तो नाइट्रोजन के पास दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये आपका साइड प्रोडक्ट है, अमी उसमें है, वो कोई इंपोर्टेंट चीज नहीं है। जब भी बोला जाए तो प्रोडक्ट ये वाला प्रोडक्ट है, एल्कीन, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन में काम आता है, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट। तो यहां से जो कार्बेनायन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा, ज्यादा स्टेबल, ये थर्ड डिग्री लेस स्टेबल। तो मेजर प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन से डिसाइड करोगे। और होपमैन एल्कीन, यहां पे पाई बॉन्ड आता तो सेटजेफ एल्कीन बनती, तो ये होपमैन वाली ही मेजर प्रोडक्ट है, समझ गए ना, होपमैन वाली मेजर प्रोडक्ट है। तो नाइट्रोजन, अब मैं मिथाइल की बजाय इधर इथाइल कर लेता तो यहां पर भी एन पॉजिटिव के बराबर वाला कार्बन, उससे अगले वाला बीटा, कई बीटा हो सकते हैं, जैसे यहां पर दो बीटा है, इसी तरह दो बीटा नहीं, छह बीटा हाइड्रोजन भी हो सकते हैं टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट में, बीटा हाइड्रोजन बढ़ाते हैं। और अब एक्चुअल जहां पे गलती करोगे वो चीज आपके सामने आने लगेगी। नाइट्रोजन, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल कर देता हूं, ये है पूरा सोल्ट। लिखो या सिर्फ इतना लिखो, AgOH लिख लो जो ज्यादा फेमस है। आपको समझ में आ गया, इवन सीबी मैकेनिज्म का क्वेश्चन है। टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट देखते ही आपको चमक गया, चमक जाना चाहिए। अब इसमें होपमैन एग्जिस्टिव मिथाइलेशन से ये बना लें और फिर ये रिएक्शन करवा दें इवन सीबी, वो बात अलग है। तो यहां पे देखो, एन पॉजिटिव के जस्ट बराबर में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, एन पॉजिटिव बराबर में अल्फा और अल्फा, यहां तो बीटा ही नहीं, ये अल्फा है, ये बीटा है, तो बीटा बीटा बीटा, कई सारे बीटा है, पर ये ऊपर वाले दोनों बीटा डबल टिक वाले तो एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उनसे अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। बीटा से जो हाइड्रोजन है वो ले जाएगा OH नेगेटिव, और अल्फा से एन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ले जाकर लीव कर जाएगा। अब मैं दोनों प्रोडक्ट बनाता हूं, ये वाले से प्रोडक्ट बनाऊ ऊपर वाला, बताओ यहां पे डबल टिक के यहां सी नेगेटिव बनेगा और सिंगल टिक के यहां सी नेगेटिव, डबल टिक के यहां पर कंजुगेट बेस बनेगा इवन सीबी मैकेनिज्म में, तो सेकंड डिग्री कार्बन बनेगा, वो लेस स्टेबल होगा। यहां पर जो बनेगा बड़े टिक जो मैंने बना दिया सिंगल टिक, यहां पर जो कार्बन आयन बनेगा वो प्राइमरी बनेगा, ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, बड़े टिक वाले हाइड्रोजन को ले जाकर बेस जो अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड बनाएगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यही मुद्दा है। ये आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। अब जब यहां से बीटा से ले जाएगा सी नेगेटिव बनेगा, वो लोन पेयर फिर लिव कर जाएगा, ये लिविंग ग्रुप, ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यहां से जो हाइड्रोजन है वो बेस ले जाएगा, सी नेगेटिव बनेगा, यस और नो? देखो जी, ये हो गया, तो इससे अगर लीव करवाएंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बनाओ। यहां से N मिथाइल और मिथाइल, ये तो लीव कर गया लिविंग ग्रुप, नाइट्रोजन पे न्यूट्रल आ गया, प्लस अल्फा बीटा के बीच में इधर पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा, ये अमीन वमीन छोड़ दो, मेन ये रहेगा। अभी एल्किन चैप्टर में यही काम का है, ठीक है। अगर मैं इधर से बीटा से हाइड्रोजन ले जाऊं, सी नेगेटिव बनाऊं और फिर यहां से लीव करवाऊं, लिविंग ग्रुप ये है पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, मेरा साइक्लोएल हेक्सीन हो जाएगा, प्लस लीव करके नाइट्रोजन न्यूट्रल हो गया, ये माइनर होगा मेरा, ये एल्कीन मेरा माइनर होगा,
तो एक प्रोडक्ट लिखना है तो मुझे ये लिखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यस और नो? और OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन के लिए जाएगा, साथ में H2O बनता ही रहेगा दोनों में, वो हमारे काम का नहीं है, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? गुड क्वेश्चन। तो काफी बीटा हाइड्रोजन हो जाए तो सी नेगेटिव बनाकर देखो, इवन सीबी मैकेनिज्म में जो सी नेगेटिव ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, बस यही मुद्दा है, दिस इज द ओनली थिंग। ठीक है भैया, क्वेश्चन करना जरा जल्दी से। CH3, CH2, CH2, NH2, CH3 आई एक्सेस, इससे ए बना, ठीक है, फिर उसको हमने बेस के साथ हीट के एलिमिनेशन करवाया तो बी बना। आइडेंटिफाई ए एंड बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी। ए बताओगे बच्चों, एग्जोस्टिव मिथाइलेशन हो गया, एक्सेस में लिया है, तो AgOH देखते ही तो टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट वैसे याद आ जाना चाहिए, तो टेट्रा एल्काइल चौथा एल्काइल लगा दो, ये आई नेगेटिव लगाना चाहो तो लगा दो, वो कोई काम की चीज नहीं होती है। ठीक है, इसमें बताओ एक ही बीटा हाइड्रोजन है, कोई है ही नहीं यार दूसरा, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा से सी नेगेटिव बनेगा, मैकेनिज्म दिमाग में चलना चाहिए, अल्फा बीटा प्लस NME3 बनेगा, वो अमीन है, वो हमारे काम का नहीं है फिलहाल, तो मेजर प्रोडक्ट ये एल्किन होगा। एल्किन की जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है कुछ भी करवा सकते हैं, बीक के साथ कितनी भी लंबी रिएक्शन बना सकते हैं। एबल टू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, यहां पे मैं एक मिथाइल लगा देता हूं क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए। पहला मैं CH3IHX के साथ रिएक्शन करवा रहा हूं, प्राइमरी अमीन टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट तक चली जाती है अगर आपको इवन सीबी करवाना है तो, और सेकेंड रिएक्शन ये है AgOH हीटिंग देखते ही। तो देखो बच्चों यहां पे फर्स्ट रिएक्शन के बाद क्या हो जाएगा, मैं सेकेंड रिएक्शन को भूल ही जाता हूं एक बार, तो फर्स्ट रिएक्शन के बाद ए बोल देता हूं, वैसे खोल के लिख देता हूं दोनों रिएक्शन को, एक साथ लिखता ही नहीं हूं ताकि आपको क्लैरिफिकेशन रहे। फिर इसके बाद ए जो बनेगा उसका एलिमिनेशन करवाओ इवन सीबी, उससे बी बनेगा, ए और बी आइडेंटिफाई करो तो क्या होगा बच्चों, इधर कोई भी बच्चा बता सकता है, प्राइमरी अमीन से टेट्रा एल्काइल अमोनियम मिथाइल, ये मिथाइल है तो मिथाइलेशन होगा, बस इतना ही बना लो, आई नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो आप काम का नहीं है। AgOH इसका बीटा हाइड्रोजन को यही नहीं, यही बीटा है, तो ये क्वेश्चन आसान है, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन हो जाएगा NME3, तो अमीन वगैरह की रिएक्शन तो अभी पूछेंगे नहीं, 12th में पूछेंगे, तो आगे इसको यूज कर सकते हैं, मैं बोलूं BNC, तो ये बी हो गया, सी हो गया। यस और नो? सर मिथाइल कहाँ गया इसमें, कौन सा मिथाइल, जो स्टार्टिंग में रिएक्टेंट में था, कौन सा मिथाइल, ये तीन के तीन मिथाइल आ तो आ गए इसमें, थर्ड डिग्री अमीन में लिव करके, एन पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है, जैसे ओ पॉजिटिव लिविंग ग्रुप होता है अल्कोहल ईथर में, या टेट्रा एल्काइल अमोनियम सॉल्ट में एन पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है हरदम लिविंग ग्रुप, और बीटा से हाइड्रोजन जाएगा, दो बीटा है ये, और ये दूसरा मैंने लिखा ही नहीं था, यहाँ पे सी नेगेटिव बनेगा, और फिर वो सी नेगेटिव का ये इलेक्ट्रॉन इधर जाकर लिविंग ग्रुप को बोलेगा चल बेटा बाहर निकल, कोई कंफ्यूजन सर, यहाँ पर साइड चेन में क्वेश्चन में वो तो भूल ही गया यार, ठीक है मेजर बीटा तो है ना, मैं इसको हाइड्रोजन बना लिया, मैंने मिथाइल भूल गया, तो अब मैंने प्रोडक्ट सही कर दिया है, ये वाली हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ये वाली हाइड्रोजन लेस एसिडिक है, तो सी नेगेटिव किससे स्टेबल बनेगा, कॉन्जुगेट बेस इवन सीबी मैकेनिज्म में, मोर एसिडिक से ही स्टेबल कॉन्जुगेट बेस बनता है सी नेगेटिव, तो इससे बनेगा ये वाली जाएगी हाइड्रो, सी नेगेटिव मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, तो मैं मेजर ही लिखूंगा, मेजर माइनर दोनों लिखने हो तो बात अलग है, समझ गए ना, आई हैव फॉरगॉटन मिथाइल, डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन करो सभी के सभी लोग। ये है प्राइमरी अमीन ले ले रहा हूं मैं सबसे पहले क्या करवा रहा हूं, CH3Cl एक्सेस, उससे ए बना, फिर मैं E1Cb करवा रहा हूं। अब तो इतनी सेम टाइप के एग्जांपल रिपीट हो रहे हैं तो आपकी लाइफ आसान है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ यहां पे क्या बन जाएगा, टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट बना लीजिए। एन मिथाइल मिथाइल मिथाइल, 3 मोल मिथाइल क्लोराइड यूज होंगे। अब सीएल नेगेटिव दिखाओ या मत दिखाओ, वहां पर आई था, यहाँ पे सीएल है, तो पूरा सोल्ट दिखाने के लिए कैटायन है, दोनों दिखा दो, वो काम की चीज नहीं है। यहां पर अल्फा कार्बन बीटा है ही नहीं इधर, तो 3 जगह, ये अल्फा बीटा इधर है और इधर है, बताओ कौन सा सी नेगेटिव ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये या फिर ये? बड़ा एरो वाला मोर स्टेबल बनेगा क्योंकि वो रेजोनेंस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा, ये पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में नहीं जाएगा। मोर स्टेबल कार्बन आयन यही बनने वाला है, मोर स्टेबल कार्बन नेगेटिव इधर बनने वाला है, ठीक है भैया। बस E1Cb मैकेनिज्म की कहानी खत्म। तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे आप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखो, बस खेल खत्म, पैसा हजम, NMe3 साथ में दूसरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बन गया। अब OH नेगेटिव इस हाइड्रोजन को ले जाएंगे तो H2O इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो थोड़ी लिखना होता है, दैट इज नॉट यूजफुल, वो काम की चीज नहीं है हमारे लिए। डन, यस और नो, कोई कंफ्यूजन, एनी कंफ्यूजन एनीवन? जल्दी से बताना, पीएच CH2 CH CH3 ये हो गया। पहली रिएक्शन में CH3Br एक्सेस के साथ करवा रहा हूं, ठीक है, दूसरी ए बन गया, फिर मैं AgOH हीटिंग के साथ करवा रहा हूं, फिर बी बन गया, तो इधर क्या हो जाएगा, पीएच CH2 CH CH3 N टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट, अल्फा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, बताओ ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन ये सेकेंड डिग्री बनेगा या फिर ये प्राइमरी बनेगा? अरे बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज है, मोर स्टेबल कार्बन नेगेटिव, रेजोनेंस कौन देखेगा, AR HI, रेजोनेंस की वजह से ये ज्यादा स्टेबल, तो यहां पे पाई बॉन्ड आएगा आपका और ये लिविंग ग्रुप लिव कर जाएगा और क्या। तो PHCH कौन सी अल्कीन बनी इधर मेजर प्रोडक्ट में बताओ, होपमैन या सिटजेप? ये तो सिटजेप बनी मोर सब्स्टिट्यूटेड, इधर बनती PHCH2CH, ये बनती होपमैन, वो तो माइनर है इधर, वो तो माइनर है इधर, ये तो माइनर बन गया, तो जरूरी नहीं है होपमैन एल्कीन हरदम मेजर प्रोडक्ट बने E1Cb, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। वो तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखोगे, कॉन्सेप्ट ये है E1Cb में स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस मैटर्स, एबल टू अंडरस्टैंड? तो ये एक क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाए अब नहीं अटकोगे आप, मुझे बताना। यहां पर मैं C2H5 कर देता इथाइल तो क्या आता इधर, CH2CH3, यहां पे क्या आता CH2CH3 और यहां पे क्या आता CH2CH3, अल्फा बीटा, एक बीटा, दो बीटा, तीन बीटा, चार बीटा, पांच बीटा। अब ये डबल टिक वाली तीनों बीटा से तो एक ही एल्कीन बनेगी सी नेगेटिव के साथ, यस और नो? मेजर इस बार भी यही बनेगा क्योंकि सी नेगेटिव रेजोनेंस स्टेबलाइज है इधर से, बाकी जगह से नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ सी नेगेटिव देखेंगे, समझ गए ना, एबल टू अंडरस्टैंड? तो इस बार N Et3 बन जाएगा,
एन ट्राइथाइल अमीन बन जाएगा, और भी प्रोडक्ट बनेगा, इससे एक बनेगा प्रोडक्ट, इससे दो बनेगा, इन डबल टिक वालों से किसी से भी ले लो, तीन तीन प्रोडक्ट तो एल्किन आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तीनों बीटा ले जाकर बनाओ, मेजर किसका बनेगा, जिसकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन नाइन सबसे ज्यादा है। एबल टू अंडरस्टैंड, क्लियर, यस और नो, समझा या नहीं समझा, यस सर और नो सर, यस सर, बोलो यार, यस सर। कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताना टकू टक। फ्लोरीन OH नेगेटिव हीटिंग, फ्लोरीन बोलते ही इवन सीबी की याद आ जानी चाहिए। मैंने बोला फ्लोरीन एल्काइल फ्लोराइड की दो ही रिएक्शन मेनली मिलेंगी, एक इवन सीबी बेस की प्रेजेंस में और दूसरा SNR एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बस बाकी एल्काइल फ्लोराइड का कोई जलवा नहीं है, ये सुन लो। हाँ स्वोर्ट्स रिएक्शन में जरूर एल्काइल फ्लोराइड बनाने की रिएक्शन है, वो बात अलग है। तीसरा स्वोर्ट्स रिएक्शन देख लो, वो हम पढ़ चुके हैं आपके नोटबुक में, स्वोर्ट्स रिएक्शन एंड फिनकलस्टीन रिएक्शन दो हमने की थी क्लास में। ये बताओ जल्दी से फास्ट, एल्कोहल इन बेसिक मीडियम है, देखो 9 Tell me answers. देखो ये फ्लोरीन लिविंग ग्रुप है तो अल्फा हो गया, ये बीटा और बीटा ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन इधर बनेगा और लिविंग ग्रुप एफ नेगेटिव निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जैसे ये NaOH है फॉर एग्जांपल, है ना, तो एफ नेगेटिव NaOH के साथ क्या बना लेगी, NF, यहाँ पे एल्किन आएगी मोर स्टेबल, या तो थर्ड डिग्री सी नेगेटिव बनेगा वो तो लेस स्टेबल कार्बन आयन होगा, प्लस एफ नेगेटिव निकल जाएगा तो NaF वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, काम का है नहीं। इधर बताओ ये OH लिविंग ग्रुप है अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, दो बीटा है, विच इज मोर एसिडिक हाइड्रोजन दिस, क्योंकि इसका माइनस एम है, इसका माइनस एम है, ये कीटोन ग्रुप है माइनस एम ग्रुप, तो दिस इज मोर स्टेबल कार्बन आयन, तो उधर आपका एल्कीन बनेगा ऑब्वियसली, दिस इज योर प्रोडक्ट, वो वाली बीटा हाइड्रोजन जाएगी, मेजर प्रोडक्ट ही होगा, मैं मेजर लिख रहा हूं, मेजर, माइनर तो दूसरा बीटा हाइड्रोजन जो भी होगा उससे लिख लोगे, कुछ भी नहीं बोला तो मेजर लिखना होता है। फ्लोरीन है, ये अल्फा है लिविंग ग्रुप वाला कार्बन, उसका पड़ोसी कार्बन बीटा और बीटा, मान लो यहां से जाता है, यहां पे सी नेगेटिव और यहां पे सी नेगेटिव दोनों की बात करूं, अगर वहां से एलिमिनेशन करवाते हो तो ये पाई बॉन्ड बनेगा, और यहां से एलिमिनेशन करवाते हो तो ये पाई बॉन्ड बनेगा, ये तो स्टेबल है नहीं, बताओ ब्रिज हेड कार्बन sp2 नहीं हो सकता, ब्रिज हेड कार्बन याद है ना, खूब यूज किया है, ब्रेडेड स्टूल, ब्रिज हेड कार्बन sp2 नहीं हो सकता, sp नहीं हो सकता, सिर्फ sp3 ही पॉसिबल है, तो यही प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो तो बन नहीं सकता, दैट इज नॉट स्टेबल एट ऑल, ठीक है, एफ नेगेटिव आपका निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप है वो तो, यहाँ पे OH नेगेटिव, बताओ एल्कोहल बेसिक मीडियम में है ना, मैंने यही तो बोला था, एल्कोहल बेसिक मीडियम में इवन सीबी देते हैं एसिडिक मीडियम में नहीं, डन, बताओ जरा SR2 पॉजिटिव याद आ गया होगा आपको, इवन सीबी मैकेनिज्म थोड़ा बहुत E2 याद आ गया होगा, एस पॉजिटिव के बराबर में ये अल्फा ये बीटा ये दो बीटा है, मोर स्टेबल कार्बन आयन लेस स्टेबल कार्बन आयन, इवन सीबी मैकेनिज्म में मोर स्टेबल कार्बन आयन से मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, लिविंग ग्रुप प्यार से चला जाएगा, तो ये हो गया आपका
अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड और एस एम ई टू डाइमिथाइल सल्फाइड। ध्यान है ये डाइमिथाइल सल्फाइड कहां यूज किया था? एनीवन प्लीज, डाइमिथाइल सल्फाइड ओजोनोलिसिस, रिएक्टिव ओजोनोलिसिस में यूज किया था अगर आपको ध्यान हो तो। This is used in reductive ozonolysis. Do you remember? बताओ जरा मुझे, ये लिविंग ग्रुप है, ये अल्फा, उसका पड़ोसी कार्बन बीटा और बीटा, बताओ कौन सा ज्यादा? ये तो माइनस एम ग्रुप कीटोन हो गया, ये ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन है, ये कम स्टेबल कार्बन आयन है, बड़ा एरो ज्यादा स्टेबल कार्बन आयन। तो मुझे तो समझ में आ गया देखते ही, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया डाइमिथाइल सल्फाइड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में रेड्यूसिंग एजेंट के रूप में। क्या तो डीएमएस यूज होता है या जिंक यूज होता है फॉर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस? ध्यान हो तो। और डीएमएसओ कर दे तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट हो जाता है, ध्यान हो तो, आपको कल ही पढ़ा था। दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट इज सिटजप प्रोडक्ट। देखो तो आप, यहां पे लेस क्राउडेड बनता तो होपमैन बनता, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा है? सिटजप प्रोडक्ट या जेट सेव प्रोडक्ट? सिटजप एल्किन और जेट सेव एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट। देखो ईवन सीबी में हरदम होपमैन मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता है, होपमैन से मेजर प्रोडक्ट नहीं बनता है, ध्यान रखें, राइट। जब भी एकदम रद्दी लिविंग ग्रुप हो तो आप याद कर लेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन जो आपको पक्का मिलेगा किसी ने किसी पेपर में, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। CHCl2, ये क्वेश्चन जैसे ही आता है ना, बच्चों को चमकता ही नहीं है कि करूं क्या मैं इसमें। ये ईटी, एनी पॉजिटिव लिख लो कुछ भी है, दिस इज बेस, ये सॉल्वेंट है ईटीओएच। बेस या न्यूक्लियोफाइल किसी के रूप में भी काम कर सकता है, हीटिंग देते ही हम लोग तुरंत बेस की फॉर्म में सोचेंगे। बताओ यहां पर फ्लोरीन है, अब ये हाइड्रोजन काफी एसिडिक हाइड्रोजन है, देखो तो क्वाइट एसिडिक हाइड्रोजन। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे, जीओसी कौन यूज करेगा भाई, जीओसी कौन यूज करेगा, दिमाग बंद करके थोड़ी ना बैठ जाओगे। इन क्लोरीन का माइनस आई भी है और माइनस एम भी है, और मैंने इस क्वेश्चन में दूसरा ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, दूसरी हाइड्रोजन छोड़ी नहीं, तो क्या हो गया? क्वेश्चन आसान है बच्चों के लिए। अगर फ्लोरीन के साथ भी दूसरी हाइड्रोजन रख देता, यहां पे CF2 और एक H कर देता, तो भी वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होती, क्योंकि यहां पर डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है, माइनस है मतलब डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है क्लोरीन, लेकिन यहां पे सिर्फ माइनस आई है फ्लोरीन का, अगर यहां पे सी नेगेटिव बनता तो। अब सी नेगेटिव बना, अब फ्लोरीन बैड लिविंग ग्रुप होता है, कैसा लिविंग ग्रुप होना चाहिए इवन सीपी मैकेनिज्म के लिए? लिखा था आपने बैड लिविंग ग्रुप इज फेवरेबल, क्योंकि पहले हाइड्रोजन जाएगा और बाद में लिविंग ग्रुप जाता है सी नेगेटिव बनने के बाद, तो रद्दी से रद्दी होना चाहिए, बाद में जा रहा है तो तभी बाद में जाएगा, इवन सीपी मैकेनिज्म की डिमांड है। ऑल्दो ऑल लिविंग ग्रुप विल वर्क, बट वेरी जितना वीक लिविंग ग्रुप है उतना इवन सीपी के लिए फेवरेबल है। एक नोट लिख लो, ऑल लिविंग ग्रुप कैन कोच इवन सीपी, बट वीकर लिविंग ग्रुप आर फेवरेबल, जैसे फ्लोरीन हो गया, FClBr आई नेगेटिव में, आई नेगेटिव सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप, F सबसे बेकार, तो F यूज करते हैं इसलिए हम। अब तो कोई भी कर लेगा, ये निकल गया तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी पेपर में जरूर मिलेगा, दिस विल बी देयर इन सम पेपर। एबल टू अंडरस्टैंड? सब जगह देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये सब जगह हर कदम कदम पे यूज होते रहेंगे,
they are not going to leave you. बताना जरा NO2, CH2, CH2, ये टेट्रा एल्काइल अमोनियम सोल्ट की जगह पर मोनो एल्काइल अमोनियम सोल्ट होगा, एक एल्काइल है, तीन हाइड्रोजन है, ये भी आपका हो सकता है बेकार लिविंग ग्रुप। बताओ जरा, एन पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है, उसका पड़ोसी और उसका पड़ोसी ये बीटा हाइड्रोजन है। अब बीटा हाइड्रोजन तो काफी एसिडिक है, एक एच को मैं हाईलाइट करता हूं तो क्वाइट एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज माइनस एम भी तो लगा हुआ है यार, ये कौन देखेगा, मौज हो गई, मौज हो गई। इवन सीबी के लिए एसिडिक हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन, तो मान लीजिए इवन सीबी के लिए बल्ले बल्ले। अब ये लिविंग ग्रुप है, ये आएगा और इसको एंटी पोजिशन से भगा देगा, तो क्या हो गया, एनओ टू सी एच अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड, NH3 निकल जाएगा, वो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, कोई काम का नहीं है। समझ गए, मैं बोलूं ये माइनस एम ग्रुप लगा लिया मैंने इधर, CH2 OPH OH एंड OPH तो बेकार लिविंग ग्रुप होते हैं, है ना। तो क्या करूंगा मैं, दिस हाइड्रोजन इज क्वाइट एसिडिक हाइड्रोजन, ये ले जाएगा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा और ये माइनस एम ग्रुप छुपा हुआ है, ये कॉन्जुगेट बेस को काफी स्टेबलाइज कर देगा बल्ले बल्ले, तो क्या बन जाएगा, PHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, देखो कितने मजे आ गए। अब ये लिविंग ग्रुप है आपका, ये आएगा और लिविंग ग्रुप को बोलेगा चल बेटा तू फुट हो जा, तो PHS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ये अल्फा है लिविंग ग्रुप का और अगला कार्बन बीटा है, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड कोई भी लेके आ जाएगा, जैसे ना PHO नेगेटिव इज लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड, यहां पे तो ये लिविंग ग्रुप है, यहां पर ये लिविंग ग्रुप था, ठीक है। जितना ज्यादा वीक बेस उतना ही अच्छा लिविंग ग्रुप, ध्यान है आपको, है ना, वो स्टेटमेंट, कौन सा अच्छा लिविंग ग्रुप है, जितना ज्यादा बेस होगा वीक, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। सर यस सर, पिछला पेज बोलो 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 फास्ट, लास्ट पेज नोट नहीं किया, क्या हुआ सर, ये वाला पेज नोट नहीं किया है। ओके ओके, नोट इट डाउन फास्ट, डन गाइस, डन हो गया, यस सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, आप करो जल्दी से, यहाँ पे OH लिविंग ग्रुप है CH2, यहाँ पे OH है तो सॉल्वेंट H2 साथ में है, नथिंग इज मेंशन, पर वो जरूरत नहीं है, मेंशन भी नहीं होता है क्वेश्चन में, इसलिए मैं भी नहीं मेंशन कर रहा।
टेल मी द प्रोडक्ट्स, टेल मी द प्रोडक्ट्स, टेल मी द प्रोडक्ट्स, टेल मी द प्रोडक्ट्स, बताओ। ये लिविंग ग्रुप है OH बेसिक मीडियम में, तो अल्फा इधर भी, बीटा इधर भी, बीटा दो बीटा हाइड्रोजन है। अब बताओ किससे ज्यादा स्टेबल कार्बेनायन बनेगा, बड़े एरो वाले से, क्योंकि ये माइनस एम ग्रुप जो लगा हुआ है, OH लिविंग ग्रुप है आपका, ये अल्फा ये बीटा, और कोई दूसरा बीटा है ही नहीं लिविंग ग्रुप। और कौन कौन से लिविंग ग्रुप आपको मिलते हैं इवन सीवी मैकेनिज्म में, वो तो ध्यान रखोगे आप, उनके अलावा मिलेंगे नहीं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री पढ़ते टाइम, यानी कि आपके सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि आपको बहुत ही डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, एवरीथिंग इज इन योर नोटबुक। बट केसेस वेरी होंगे, क्वेश्चन हजारों बनाए जा सकते हैं। ये OH लिविंग ग्रुप है, ये उससे अल्फा और ये बीटा, अल्फा और ये बीटा, कौन सा ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, या तो एक ही एसिडिक हाइड्रोजन, दूसरी यही नहीं, ज्यादा एसिडिक ये है, क्योंकि माइनस एम जो लगा हुआ है कीटोन का, और ये वाली कम एसिडिक है। इधर ये एन पॉजिटिव लिविंग ग्रुप है, अल्फा बीटा कोई है ही नहीं, दूसरा बीटा है ही नहीं, कंपटीशन नहीं, तो अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड लगा दो और क्या, सी एच थ्री सी एच सी एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री पी एच सी डबल बॉन्ड ओ CH2, pH और नेगेटिव निकल जाएगा, है ना, और नेगेटिव लिविंग ग्रुप है आपका, कौन सा यूज करोगे, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन का, अल्फा बीटा के बीच में पाई बॉन्ड लगा दो, अल्फा के बीच बीटा के बीच में पाई बॉन्ड लगा दो, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, कोई कंपटीशन है ही नहीं था। सर ये ETO नेगेटिव ETOH क्या है? ये इथोक्साइड है, इथाइल अल्कोहल ये है ना, तो ये इथाइल अल्कोहल हो गया, पूरा लिखना चाहो। फंक्शन है ये इथोक्साइड, दिस इज एक्टिंग एज बेस, इथोक्साइड बेस न्यूक्लियोफाइल दोनों के रूप में काम कर सकता है ना भाई, जो केमिकल स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करते हैं, बेस के रूप में काम करती है। इधर OH OR इथर एल्कोहल बेसिक मीडियम में वीकर लिविंग ग्रुप है, तो इवन सीबी मैकेनिज्म से एलिमिनेशन करवाते हैं। एन पॉजिटिव वीकर लिविंग ग्रुप है, एस पॉजिटिव वीकर लिविंग ग्रुप है, फ्लोरीन वीकर लिविंग ग्रुप है, इवन सीबी मैकेनिज्म में ये सब आते हैं क्वेश्चन में, सबके क्वेश्चन हमने कर लिए ऑल क्वेश्चन। तो कौन कौन से लिविंग ग्रुप आते हैं ध्यान रखना है, You have to keep in mind, कौन कौन से लिविंग ग्रुप आते हैं आपको ध्यान रखना है, ठीक है? You are expected to remember all this. Sir, last में क्या लिखा हुआ है? First, मतलब 15th वाले point. Yes, please. 15th point के last में क्या लिखा हुआ है? कौन से point के last में? 15th में ये मैंने H2O लिखा है, OH नेगेटिव के साथ H2O सॉल्वेंट नेगेटिव, जिस तरह इथोक्साइड के साथ इथेनॉल सॉल्वेंट, ये मैंने OH नेगेटिव लिविंग ग्रुप है ना, लीव कर गया OH नेगेटिव, OPH PHO नेगेटिव लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप N पॉजिटिव था, N न्यूट्रल हो जाएगा लिविंग ग्रुप, ये लिखा है मैंने और कुछ नहीं। यहाँ पे OH है तो OH नेगेटिव लिविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके नेगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव था तो न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाता है ना लिविंग ग्रुप अपने साथ। मुझे जल्दी से बताओ, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, पहले एक टॉपिक लिखो, केसेस वेयर होपमैन ऑर्गेनिक, बहुत आसान चीज होती है, ध्यान रखना होता है बस, रिवाइज इट कॉन्सेप्चुअली, दिमाग में तो अपने आप ये टक जाती है, जिस तरह आपको पढ़ाया जा रहा है अपने आप चीजें आपके कब्जे में है,
क्योंकि एक एक चीज आपके सामने रख दी जा रही है खोल खोल कर. एवरीथिंग इज प्लेस्ड विद क्लियर कट आइडिया, कहां पर फंस सकते हो, क्या हो सकता है, एवरीथिंग इज देयर इन फ्रंट ऑफ. ध्यान रखना है, बस रिवाइज करना है, कुछ करना ही नहीं. हाँ, बहुत सारी चीजें डिटेल में कवर नहीं हो तो इश्यू है, आपके सामने तो सब कुछ तैयार है. वो थॉट प्रोसेस जनरेट करके रखनी है, हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है. बस केसेस व्हेन होपमैन एल्कीन यानी कि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट. सबसे पहले मुझे बताओ फेमस बल्की बेसिस कौन से हैं. मैंने बताया हुआ है आपको, यही पूछ रहा था मैं. फेमस बल्की बेसिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मोस्ट फेमस बताना, कई बार बता चुका. टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, टर्शियरी ब्यूटेनल ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल, और एल्कोहल का एल्कोक्साइड टर्शियरी ब्यूटोक्साइड. अब ये यहाँ का सोडियम सोल्ट दें या पोटासियम सोल्ट दें, ये बात अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेस तो यही रहेगा. बल्की बेस है, तीन तीन मिथाइल ग्रुप है, वेरी फेमस बल्की बेस टर्शियरी ब्यूटोक्साइड. टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड या पोटासियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड, उससे फर्क नहीं पड़ता. मोस्ट फेमस तो ये है बल्की बेस. दूसरा बल्की बेस बहुत फेमस है पर इससे कम है टर्शियरी ब्यूटोक्साइड से, क्वेश्चन में लेस फेमस है, कम दिखाई देगा बट काफी फेमस है फिर भी. बताओ पढ़ा हुआ है आपका. अरे एलडीए, अब एलडीए बताओ क्या होता है, बताया हुआ है आपको. तुरंत आपको सुन क्या था, लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइड, ये था लिथियम डाई आइसो प्रोपाइल अमाइड एलडीए. तीसरा है डाई आइसोप्रोपाइल अमाइन और अमीन, ये दोनों तो रिलेटेड ही हैं. देखो आइसोप्रोपाइल ग्रुप ये लगा दिया, आइसोप्रोपाइल तो जानते हो ना किसे बोलते हैं, ये आइसोप्रोपाइल है. एक हाइड्रोजन रख दिया तो ये क्या हो गया, डाई आइसोप्रोपाइल. ये बल्की ग्रुप है दो दो, तो बल्कि बेस बन गया. तो लेस क्राउडेड हाइड्रोजन को ले जाएगा बल्कि बेस. बल्कि बेस होने से बेसिसिटी को फर्क नहीं पड़ता, पर कौन सी हाइड्रोजन ले जाएगा इसमें तो फर्क पड़ता है, क्योंकि खुद बल्कि है तो लेस क्राउडेड हाइड्रोजन को ले जाएगा वो, और उसी से मेजर प्रोडक्ट बनेगा लेस क्राउडेड हाइड्रोजन से. इसलिए होप लेस क्राउडेड हाइड्रोजन गई तो होपमैन एल्कीन मेजर बन जाएगा वो, और क्या आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मेजर बनेगा. लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, ये देखो ये अमाइड है, तो देखो अमोनिया से एक एच आयन फायर कर दे तो अमाइड बन जाता है, तो डाई आइसोप्रोपाइल अमीन से एक एच आयन फायर कर दिया तो क्या बन गया, डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, और इसके साथ में एल आई पॉजिटिव और लगा दू तो ये क्या बन गया, एल डी ए बन गया, और क्या कुछ है ही नहीं. तो ये दोनों तो सेम ही है, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमीन या फिर लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड डाइआइसोप्रोपाइल अमीन एंड एलडीए, तो सेम ही. हाँ, और नेगेटिवली चार्ज है तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बेस होगा, क्योंकि ये एसिड तो ये उसका कंजुगेट बेस. भाई एसिड और कंजुगेट बेस में कंजुगेट बेस ज्यादा बेसिक होता है, तो ऑफ कोर्स एलडीए ज्यादा बेसिक होगा डाइआइसोप्रोपाइल अमीन से, ये बताने की जरूरत है नहीं आपस में. पर हम तो बल्किनेस की बात कर रहे हैं, बल्किनेस दोनों में ही है. ठीक है सर, एडिंग क्या है, केसेस वेयर होपमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट. फिर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर फेमस बल्की बेसिस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने वो टॉपिक पूछा तो उसका आंसर दे रहा हूं मैं, रिवाइज करवा रहा हूं, पहले बता रखा है. What are question ये था, what are famous bulky bases in organic reactions? सबसे famous tertiary butoxide, दूसरा है LDA, याद होना चाहिए. जैसे ही ये बेस लिख के रहेंगे समझ जाना less crowded hydrogen को ले जाएगा, तो hope man alkene बनेगी.
दूसरा एलडीए और डाइसोप्रोपाइल अमीन तो सेम ही चीज है, उसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं। कभी कभी आपको देखो इधर ये पिरिडीन है, क्या करूं टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इधर भी लगा दो, टर्शियरी ब्यूटाइल इधर भी लगा दो, तो क्या हो गया नंबरिंग करो तो हेटेरो एटम स्टार्ट करेंगे 3, 4, 5, 6, तो 2, 6 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल पिरिडीन, पिरिडीन में 2, 6 के ऊपर डाई टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया, 2, 6 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल पिरिडीन, पिरिडीन ये भी 3-3 टर्शियरी, 2-2 टर्शियरी ब्यूटाइल लग गए, बड़ा बल्की है। अब एक नोट लिखो, बल्की बेसिस स्नैच हाइड्रोजन, स्नैच करना मतलब छीनना, चेन स्नैचर्स है ना, आता रहता है एनसीआर गुड़गांव दिल्ली में बॉम्बे में, इनमें चेन स्नैचर्स के बड़े न्यूज आते रहते हैं। तो लिखो बल्की बेसिस स्नैचेस लेस क्राउडेड हाइड्रोजन, लेस क्राउडेड हाइड्रोजन, वो ज्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर लेस क्राउडेड होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी मजबूरी है, ये मोटे ताजा है, जहां पे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी वहां ना पहुंच पाएंगे, स्पेस अनअवेलेबिलिटी, सफिशियंट स्पेस अनअवेलेबिलिटी। तो ये जब भी बेसिस देखो आप तुरंत पहचान जाना एलडीए एंड टर्शियरी ब्यूटोक्साइड आर वेरी फेमस, ये दो ज्यादातर काम आएंगे आपको, ठीक है। This next H positive from less crowded position of carbon. Done. जल्दी से क्वेश्चन करना आप, CH3, CH2, CHBr, CH3. Tell me answer. हीटिंग है, एलिमिनेशन करवानी है, ये अल्फा है लिविंग ग्रुप के पास, ये बीटा है, ये बीटा है, ये लेस क्राउडेड है और मोर एसिडिक भी है ये हाइड्रोजन। E1CB में देखते थे मोर एसिडिक, तो यार ये मैकेनिज्म कौन सा है ब्रोमीन के साथ, E1CB तो है ही नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ E2 मैकेनिज्म होता है, स्ट्रॉन्ग बेस इज देयर है ना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं हीटिंग के साथ तो वीक बेस होते हैं, वो E1 के लिए फेवरेबल थे, तो E2 होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस तो है ही है पर बल्की बेस है, तो E2 मैकेनिज्म तो इधर भी है पर इसकी मजबूरी है लेस क्राउडेड हाइड्रोजन को ले जाएगा, लेस क्राउडेड हाइड्रोजन, तो यहां से एक E2 में तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन एंटी पेरिप्लेनर अरेंज, सिंगल बॉन्ड है तो एंटी पेरिप्लेनर अरेंजमेंट सेम प्लेन में बट अपोजिट पे हाइड्रोजन ब्रोमीन होंगे, हाइड्रोजन लिविंग ग्रुप, तो वो तो हो ही जाएगा सिंगल बॉन्ड रोटेट करके कर देगा, स्ट्रक्चर दे रखा है, स्टेरिक अरेंजमेंट भी दे रखा, पंगा ही नहीं, तो यहां से क्या बनेगा लेस क्राउडेड हाइड्रोजन जाएगी, तो होपमैन एल्किन इज मेजर प्रोडक्ट, माइनर तो बनेगा दूसरा वाला, यहां पे बताओ क्या होगा, यहां पे तो E2 में तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखते हैं यार, E2 में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन देखते हैं, ये सेट जब मेजर प्रोडक्ट बनेगा तो अच्छा सा कंपैरिजन हो गया, सेट जब एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, यहां पे होपमैन एल्कीन मजबूरी है उसके बल्किनेस की वजह से, एबल टू अंडरस्टैंड सर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है लेस क्राउडेड एंड मोर, क्या सर सर्कल के अंदर क्या लिखा हुआ है लेस क्राउडेड एंड मोर, लेस क्राउडेड एंड मोर एसिडिक हाइड्रोजन, लेस क्राउडेड कार्बन है ये तो वहां से हाइड्रोजन जाएगी बल्कि बेस से, बट मोर एसिडिक भी है क्योंकि यहाँ प्राइमरी कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पर सेकेंड डिग्री कार्बन आयन बनेगा, जहां पर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल उसके कोरोस्पोंडिंग हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक, GOC, दोनों बीटा हाइड्रोजन में मोर एसिडिक कौन सा है, दोनों से कंजुगेट बेस बनाओ
जिसकी ज्यादा स्टेबिलिटी उसे कोरस्पोंडिंग हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक। तो सर सेकंड वाले केस में सिटजेफ कैसे बने? क्या हुआ सेकंड केस में सिटजेफ एल्कीन कैसे बने फिर सर? सिटजेफ एल्कीन सर जो साइड वाला सीएस मतलब सीएस थ्री ग्रुप है इसकी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है तो यहां पर आएगा ना डबल। भाई मैकेनिज्म से करो, अपने मन से मत करो। E2 मैकेनिज्म में होता क्या है, E1CP मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया है, E2 मैकेनिज्म भी पढ़ाया था क्लासरूम में। E2 मैकेनिज्म में क्या बताया था उसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में, इनसीपिएंट एल्कीन इज ट्रांजिशन स्टेट, तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड मेजर प्रोडक्ट, कल भी बताया था। और बोलूं हो गया ना? यस सर। बस ध्यान रखो चीजें भाई, E2 अलग मैकेनिज्म है उसकी चीजें ध्यान रखो, E1CP अलग है उसकी ध्यान रखो, अलग अलग मैकेनिज्म है, अलग अलग उनके फंडे हैं, अलग अलग स्टीरियोकेमिस्ट्री है, अलग अलग काइनेटिक्स है, तो अलग अलग तरीके से ही सोचो क्वेश्चन सही करने हैं तो। यहाँ पर E2 लिखा हुआ क्वेश्चन में? क्या हुआ क्वेश्चन में E2 लिखा हुआ होगा? नहीं बिल्कुल नहीं लिखा होगा, E1CP तो नहीं है ना, यहाँ पे फ्लोरीन हेलोजन में होता है तो E1CP होता है यार, E1CP तो नहीं है ना, क्लियर? अब E1CP के जो जो केसेस है सब बता दिए मैंने आपको, उसके अलावा आपको केस मिलेंगे नहीं, समझ गए ना? ये है, ये होगा, बाकी लिविंग ग्रुप क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होगा तो E1 और E1CP। अब मैं बोलूं कि अब बताओ मेरे को इथाइल एल्कोहल हीटिंग, अरे ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, यही बेस के रूप में काम करता है, ये बेस और ये बेस में कौन स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है तो E2 करवाएगा, ये E1 करवाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें क्या होगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा पर इसमें रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है। अब कार्बोकैटायन बनता है E1 मैकेनिज्म में, खुद सोचना होगा आपको, वीकर बेस है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, हीटिंग भी करवा रहे हो तो एलिमिनेशन करवाना है, एलिमिनेशन मेजर है, हीटिंग नहीं करवाते तो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, SN1 हो जाता है इधर। अब इन दोनों को कंपेयर करो, 1N1- पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीक बेस, हीटिंग तो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन तो बेस ही बोलेंगे उसको, न्यूक्लियोफाइल के रूप में तो सोचना नहीं है यार, जब हीटिंग दे रखी है तो। ये 1-, ये सारे इंडिकेटर है, इन इंडिकेटर से समझना होता है, इतने सारे मैकेनिज्म हो जाएंगे, यू हैव टू सी द इंडिकेटर्स, हीटिंग तो एलिमिनेशन पहला इंडिकेटर, दूसरा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, वीकर बेसिस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, वीकर न्यूक्लियोफाइल, तो हीटिंग नहीं होती तो SN1 करवा देते, हीटिंग है तो SN2 करवा देंगे, E1 करवा देंगे, एलिमिनेशन, SN1 E1 में कार्बोकैटायन बनता है, लिविंग ग्रुप पहले चला जाता है, BR नेगेटिव निकल गया, RDS में कार्बोकैटायन बन गया, उसमें रीअरेंजमेंट होगा, यहां तो रीअरेंजमेंट होने वाला नहीं है, उसके बाद क्या काम होता है, जो बीटा हाइड्रोजन होती है स्टेबल कार्बोकैटायन से, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन को बेस ले जाता है, ETOH का बेस ये है, ये H पॉजिटिव को ले जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो बन गया आपका ये एल्कीन, इसमें सिस भी बनेगा और ट्रांस भी बनेगा, दोनों बनेंगे, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से क्योंकि सिस में दोनों मिथाइल में क्राउडिंग हो जाती है, जानते हो आप पढ़ चुके हो, ये मेजर बनेगा। E1 और E2 में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, E1CB में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, E1 और S1 में लिविंग ग्रुप ले जाओ, कार्बोकैटायन बनाओ, कार्बोकैटायन बनने के बाद रीअरेंजमेंट करवाओ, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन तक ले जाओ और फिर बीटा हाइड्रोजन बेस द्वारा ले जाकर एल्कीन बनाओ, जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन बनेगी वो मेजर बनेगी, चाहे सेटजेप हो या होपमेन हो, जनरली सेटजेप मोर क्राउड मोर सब्स्टिट्यूटेड मोर स्टेबल होती है, पर हरदम ऐसा नहीं है, तो E1 और E2 में स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, E1CB में स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट कार्बन आयन कॉन्जुगेट बेस डिसाइड द मेजर प्रोडक्ट, ये पॉइंट आपके दिमाग में होने चाहिए, लिख लिए सर? हाँ सर, यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड था, यहाँ पर अगर ये E2 मैकेनिज्म है तो यहाँ पर पहले भी
सर यहाँ पर E1 और E2 में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन से में E1 होगा कौन से में E2 होगा? भाई वीकर बेसिस सी है, तो वीकर बेसिस कौन से होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आर वीकर बेसिस, लास्ट के लेक्चर में लिखवाया था H2O, फिनोल, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड आर फेवरेबल फॉर SN1E1 बिकॉज दीज आर वीक न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज वीक बेसिस। तो यहां देख लो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो E1 की तरफ जाओगे, SN1 हीटिंग है तो E1 की तरफ जाएंगे। ये उनके कॉन्जुगेट बेस है, फिनोल से फिनोक्साइड बनाओ स्ट्रॉन्ग बेस बन गया, एल्कोहल से एल्कोक्साइड बनाओ, ये दोनों एल्कोक्साइड है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इथोक्साइड, दीज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस, स्ट्रॉन्गर बेसिस आर फेवरेबल फॉर E2 और E1C भी, बट E1C भी तो होने वाला नहीं है, ब्रोमो क्लोरो आइडो में E1C भी थोड़ी होता है, सिर्फ फ्लोरोम होता है, वो ध्यान रखो, अपने आप कंक्लूजन में पहुंचा होगा तो यहाँ E2 होगा, खेल खत्म। EI के केस लिमिटेड है, E1CB के केस लिमिटेड है, मेरे पास छोटे छोटे मैकेनिज्म है, E1E2 ही बड़े मैकेनिज्म है, E1E2 में वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक में स्ट्रॉन्ग बेस, E1 and E2 रिस्पेक्टिवली, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स आर वीक न्यूक्लियोफाइल, तो E1 करवा दो, उनके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के कॉन्जुगेट बेस हो जाएंगे या स्ट्रॉन्ग बेस, जो भी नेगेटिवली चार्ज है स्ट्रॉन्ग बेस है, उनसे आप E2 करवाओ, और E1CB के तो लिमिटेड केस है, अपने आप चलती चली जाएंगी चीजें, कहां पर जाना है, एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। सर यहाँ पर आपने स्टार्टिंग मतलब कॉर्नर पे यहाँ पर आपने E2H का यहाँ पर E1 का मैकेनिज्म लिखा, एक बार ये बता दो सर। अच्छा E1 का मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप लिखू क्या? नहीं सर, सर यहाँ पर सर पिछले पेज पे जो आपने इस क्वेश्चन में किया है E2H प्लस प्रोटिक सॉल्वेंट में। हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ, कोई भी एल्कोहल है और हीटिंग है तो ये वीक बेस है, तो ये E1 mechanism होगा। What is E1 mechanism? First step होता है living group का जाना, ये living group है, तो first step के बाद ये stability, उसके बाद होता है ये RDS होता है, उसके बाद होता है carbocation rearrangement E1SN1 में, यहाँ तक same मामला होता है E1SN1 में। अब इसका rearrangement होगा ही नहीं, इसमें 5 alpha hydrogen है, 3 इधर और 2 इधर, 5 alpha hydrogen है, तो यहाँ तो rearrangement तो होगा नहीं, मोर स्टेबल इससे बन ही नहीं सकता, इसमें हाइड्राइड मिथाइल कोई भी शिफ्ट करवा लो और कोई शिफ्ट क्या होगी, हो ही नहीं सकती इधर, तो ये हो गया। अब रीअरेंजमेंट होने के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, तो उससे बीटा हाइड्रोजन ले जानी होती है, बीटा हाइड्रोजन ये है और ये है, ले जाओ। बेस का काम क्या होता है, ये बेस है, ये हाइड्रोजन ले जाओ और ये भी ले जाओ, अगर ये हाइड्रोजन ले जाते हो तो ये बनेगा, और ये हाइड्रोजन ले जाते हो तो ये E1S1 में मोर स्टेबल, मोर स्टेबल एल्किन इज मेजर। अब इसमें सिस भी बनेगा एज वेल एज ट्रांस भी बनेगा, तो टोटल कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, दो इधर सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकलाइज हो एक इधर, तो टोटल 3 प्रोडक्ट एल्किन विल बी देयर। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी एल्किन्स विल गेट फॉर्म, 3 एल्किन्स, ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। फंडा वही है, SN1 और E1 में कार्बोकैटायन बनाओ लिविंग ग्रुप से, उसमें कार्बोकैटायन बनाने के बाद रीअरेंजमेंट करवाओ, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा उसका बीटा हाइड्रोजन ले जाओ तो E1 से, और जिससे ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रही हो वो मेजर प्रोडक्ट होगा, अनस्टेबल एल्कीन बन रही हो माइनर प्रोडक्ट होगा, बनेंगे तो दोनों, समझा? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, टेल मी E2 और SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, कोई रीअरेंजमेंट का सवाल ही नहीं उठता, E1 SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट वही होता है बस, E1 और SN1 में कार्बोकैटायन बनता है, रीअरेंजमेंट वही होता है, E2 SN2 तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है,
उनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, ना इवन सीबी में कार्बन आयन बनता है ना उसमें रीअरेंजमेंट होता है। इसमें लेस क्राउडेड हाइड्रोजन जाएगी, लेस क्राउडेड ये है, ये अल्फा ये बीटा, पर ये वाली बीटा तो मोर क्राउडेड है, लेस क्राउडेड हाइड्रोजन। तो यहां पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये बन जाएगा मेजर, और यहां पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये हॉपमैन है, ये सेटजेफ है। तो बल्कि बेस होती है तो हॉपमैन बनता है, समझ गए ना। सर हमारी नेक्स्ट क्लास आ गई। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नेगेटिव, ये अल्फा है, ये बीटा, और बीटा लेस क्राउडेड। तो बस लेट अस स्टॉप हियर। लेस क्राउडेड एलडीए बल्की बेस, मेजर प्रोडक्ट वो होगा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये होगा। और दूसरा ये तो हो गया बल्की बेस वाला, बी वाला केस होगा वहन लिविंग ग्रुप आर कौन से, फ्लोरीन SR2 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव, इन सब में भी जनरली क्या बनती है, पढ़ चुके हैं, जनरली होपमैन इज, होपमैन एल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन देखते हैं, लेट अस स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। सर लास्ट पेज बोलो, लास्ट पेज।